नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रचनी। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। एक बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है तमाम बड़ी खबरों को जानने का। शुरुआत बेहद बड़ी खबर के साथ। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां पर बम ब्लास्ट हुआ है। मतदान हो रहा था, अचानक से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आज कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग के दौरान अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस बीच बलूचिस्तान के क्वेटा में बम ब्लास्ट की घटना हुई है, जिसमें अब तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये ब्लास्ट क्वेटा में पूर्वी बाईपास के करीब हुआ है। मरने वालों में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जबकि 2 बच्चे भी मारे गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पर क्वेटा में बम ब्लास्ट हुआ। बम धमाके में 31 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान में मतदान चल रहा है, लेकिन दहशत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके पहले जब रैलियां हुई पाकिस्तान में, चुनावी रैली, उस दौरान भी ब्लास्ट हुए। एक के बाद एक कई रैलियों पर ब्लास्ट हुए, कई लोगों की जान गई। और आज भी जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि शांतिपूर्ण मतदान संभव नहीं है, तो कुछ वही हुआ। कहीं पर हिंसक घटना और कहीं पर ब्लास्ट, एक बड़ा ब्लास्ट जिसमें 31 लोगों की जानें चली गईं पाकिस्तान में, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मतदान के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें 31 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। पुलिसकर्मी भी इस ब्लास्ट में मारे गए। पाकिस्तान में आज कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए वोटिंग चल रही थी। लोग मतदान कर ही रहे थे कि अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद वहां लाशें बिछ गई। 31 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में जब चुनावी रैली हुई, उस दौरान भी एक के बाद एक धमाके हुए। और अब जब आज मतदान का दिन है, तो यहां पर भी दहशत फैलाने से बाज नहीं आ रहे।